महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अहम कदम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम सभी को भी इसके सकारात्मक पहलू का ध्यान रखते हुए इस तरह के विधेयक की मंजूरी पर हर्ष का माहौल रखना चाहिए और हमें बहुत ही खुशी महसूस होनी चाहिए। यूनिसेफ के अनुसार हर वर्ष भारतवर्ष में 18 वर्ष से कम उम्र की लगभग 15 लाख युवतियों का विवाह हो जाया करता है। उसी तरफ जनसंख्या महापंजीक रिपोर्ट के अनुसार भी 18 साल से 21 वर्ष की लगभग 16 करोड़ युवतियों का विवाह हो जाया करता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरने वाली समस्या है जनसंख्या विस्फोट, इस तरह के विधेयक पास होने से जहां जनसंख्या को कहीं ना किसी हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है, उसी तरफ महिला सशक्तिकरण को भी इस तरह के विधेयक बहुत ही सपोर्ट देते हैं। हाल ही में हरनाथ संधु जी के द्वारा देश का नाम और भी ज़्यादा रोशन कर दिया गया है कि उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है और ये देश और समाज के लिए और महिलाओं के लिए गर्व की बात है और स्त्रियों और महिलाओं को और ज़्यादा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कानून और विधेयक की स्वीकृति और मंजूरी दी है वो हम सब के लिए बहुत ही सकारात्मक पहलू और सकारात्मकता लेकर आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी से करवत्य प्रार्थना कि आप सभी भारतवासी इस तरह के विधेयक को सहर्ष स्वीकार करके समाज के अंदर लाए जाने वाली परिवर्तन को स्वीकार करें और देश को आगे बढ़ाने में जी जान लगा दें। जय हिंद, जय भारत।